हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। मैं हूं आकाश और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारद्वाज व्यूज में। ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। गाइस, दिसंबर में ऑर्गेनाइज होने वाली परीक्षा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे CTET कहते हैं और आम बोलचाल में जिसे CTET कहते हैं, इसके बारे में, इसकी परीक्षा के बारे में CBSE ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वो जो दिसंबर में जो परीक्षा होनी है उसकी डेट है 8 दिसंबर 2019। तो आप याद रख लीजिएगा कि CTET की जो मुख्य परीक्षा जो है उसकी जो डेट है वो 8 दिसंबर 2019 है और दिन है रविवार का। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है गाइस कि ये जो परीक्षा है ये भारत में 110 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। तो वो लोग जो इस परीक्षा को देने का मन बना रहे हैं वो ये बात जान लें कि उन्हें अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, अपनी एग्जाम फीस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको CTET की ऑफिशियल वेबसाइट stet.nic.in पर मिल जाएगी। और गाइज, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये भी है कि इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो 19 सितंबर 2019 से स्टार्ट होगी और जो कि चलेगी 23 सितंबर 2019 तक। तो याद रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेंगी? stet.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2019 से 23 सितंबर 2019 तक चलेगी। और जो फीस आपको सबमिट करनी है वो फीस आप दिन में 3:30 बजे तक ही सबमिट कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रख लीजिएगा गाइस कि ये जो परीक्षा है इसमें पास होने के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। और अगर एग्जाम देने वाला SC ST OBC या फिर दिव्यांग कोटे से रिलेटेड है तो फिर यहाँ पर उसे 5 नंबर का फायदा जरूर मिलेगा। तो गाइज, ये थी एक छोटी सी वीडियो नोटिफिकेशन के बारे में CTET एग्जाम जो कि दिसंबर में होने वाला है। अगर आप फिर भी कुछ डिटेल वीडियोस इस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं तो आप मुझे viewsbhardwaj@gmail.com पर मेल करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो एक बनाकर दे दूं जो आगे तक आपके काम आएगा। तो भारद्वाज व्यूज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे नए सब्जेक्ट, नए फैक्ट, नए कंटेंट पर। बाय बाय।